अपनी जो नई रिएक्शन है, यानी जो हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है जिनको हम कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि हेलो एल्केन की जो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, इसमें होता क्या है, इसमें होता है दो एटम्स या हम कहें ग्रुप्स, इनका होता है एलिमिनेशन यानी विलोपन होता है इन अभिक्रियाओं में। क्या होता है, मैंने कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, इन रिएक्शंस में, इन अभिक्रियाओं में दो एटम्स यानी दो परमाणुओं या समूहों का एलिमिनेशन होगा, विलोपन होगा। इसके बाद इसमें होता क्या है कि जो आपको यहां पर प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुबंध, चाहे वो डबल बॉन्ड हो और चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, ये बंध उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, इनका फॉर्मेशन होगा। और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस होती कैसे हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन आप लेंगे, और वो हेलो एल्केन्स आप लोगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। और जिन हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उनकी आप यहां करेंगे केमिकल रिएक्शन, एल्कोहलिक के ओएच के साथ क्रिया करेंगे, किसकी, हेलो एल्केन की, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके बाद इसमें होगा क्या कि जो उसके अंदर अल्फा कार्बन होगा उससे तो जाएगा हेलोजन, और जो बीटा कार्बन होगा उससे जाएगा कौन, हाइड्रोजन। यानी अल्फा कार्बन से जो विलोपित होगा वो तो होगा हेलोजन, और बीटा कार्बन से जो विलोपित होगा, एलिमिनेट होगा, वो होगा हाइड्रोजन। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये आपस में कुल मिलाकर ये निकालेंगे HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड को निष्कासित करेंगे। और एक बात आप जानते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का जो निष्कासन होता है उसको हम कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनन। क्या नाम देते हैं उसको हम, विहाइड्रोहैलोजनन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। ये होगा क्या कि HX का अणु एलिमिनेट होगा, विलोपित होगा। किस प्रकार से होगा कि जो अल्फा कार्बन होगा उससे तो जाएगा हेलोजन, बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, यानी कुल मिलाकर निकलेगा क्या, HX। और HX का जो मॉलिक्यूल है एलिमिनेट होगा, उसी को हम कहते हैं क्या है, विहाइड्रोहैलोजनन या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। जिसके पश्चात आपको जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, उत्पाद जो आपको मिलेगा वो होगा क्या, वो निर्मित होगी यहां पर एल्कीन। क्योंकि इन अभिक्रियाओं में जो आपका बीटा हाइड्रोजन है ये इन्वॉल्व है, ये शामिल है इन अभिक्रियाओं में, इसीलिए इन केमिकल रिएक्शंस को हम एक नाम और देते हैं, इनको हम बीटा एलिमिनेशन अर्थात बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी बीटा विलोपन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में जो हेलो एल्केन है उनका बीटा हाइड्रोजन भी शामिल है, इन्वॉल्व है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम
बीटा एलिमिनेशन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए सबसे मेन कंडीशन है कि जो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड आप लें उसमें बीटा एच बीटा हाइड्रोजन अवश्य उपस्थित होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो मैंने यहां देखिए ये ले लिया, ये लिखा मैंने R, ये हो गया CH2, ये लिया मैंने यहां पर CH2 और मैंने मान लिया सपोज यहां लगा दिया X, X मतलब हैलोजन। तो जो मैंने यहां पर ये लिया है ये है क्या, यह एक हेलो एल्केन है और यहां पर जो हेलो एल्केन लिया है इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन, आप यहां पर क्या लेंगे, यहां पर क्रिया कराओगे एल्कोहलिक KOH के साथ। अब आपको पता है कि ये है आपका हेलोजन एटम, इसके पास वाला कार्बन क्या होता है अल्फा, अगला कार्बन क्या होता है बीटा। मैंने बताया था कि जो हेलो एल्केन लें उसमें बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और आप देख रहे हैं इसमें बीटा एच यहां पर क्या है प्रेजेंट है। अब आप रिएक्शन करेंगे, मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि जो अल्फा कार्बन होगा उससे तो जाएगा हैलोजन और जो बीटा कार्बन होगा उससे जाएगा हाइड्रोजन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बताओ यहां पे अल्फा कार्बन ये रहा, इसके पास ये क्या है, ये तो हो गया आपका हैलोजन, बीटा कार्बन से कौन जाएगा हाइड्रोजन, यानी अल्फा कार्बन से गया एक्स बीटा से गया एच और ये आपस में यहां पर रिएक्शन करके ये यहां निकालेंगे क्या, ये एलिमिनेट करेंगे किसको एच एक्स को हाइड्रोजन हैलाइड को। मैंने बताया था आपको दो एटम या ग्रुप्स क्या हो एलिमिनेट हो उनका एलिमिनेशन होगा, तो यहां पर हो क्या रहा है एच एक्स का जो अणु है वो एलिमिनेट हो रहा है। और आपको मैंने बात बताया भी था कि क्योंकि एच एक्स का जो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो ये रिएक्शन कहलाएगी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी वी हाइड्रो हैलोजनन या हेलो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाएगी। अब एच एक्स किया तो यहां पे क्या होगा एक मल्टीपल बॉन्ड आएगा, तो यहां पे होगा क्या एक बॉन्ड जब यहां पे और आएगा तो ये हो गया आर, यहां पर ये सी एच है ही, यहां पर एक बॉन्ड और आ जाएगा तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां लगा हुआ है सी एच टू और यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या हो जाएगी एल्कीन। और आपको मैंने बताया भी था कि जो यहां प्रोडक्ट बनेगा इस अभिक्रियाओं में उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मल्टीपल बॉन्ड क्या होगा डेवलप होगा उत्पन्न होगा और आप देख रहे हैं यहां पर मल्टीपल बॉन्ड डेवलप हो रहा है और प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है वो क्या है कि एल्कीन है। अब इसी अभिक्रियाओं में यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लिया मैंने इन अभिक्रियाओं में यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया एक उदाहरण ले लिया, यहां पे क्या किया मैंने यहां पर हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ वन क्लोरो प्रोपेन विद एल्कोहलिक KOH, यानी जो वन क्लोरो प्रोपेन है उसकी रिएक्शन उसकी क्रिया हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर वन क्लोरो प्रोपेन की स्ट्रक्चर, तो देखिए आप यहां पर ये होता है CH3, इसके बाद ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया आगे CH2 और मैंने यहां लगा दिया Cl, ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। नाम दोगे तो लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, वन पे Cl लगा हुआ है और लॉन्ग चेन में तीन कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा वन क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम है। अब आप देख रहे हैं इसमें हैलोजन एटम ये रहा, इसके पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, अगला वाला कार्बन क्या है बीटा, इसमें यहां पर क्या है बीटा एच प्रेजेंट है। कंडीशन मैंने बता रखी थी आपको पहले से कि जो भी आप हेलो एल्केन लेंगे उसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए
क्योंकि इन केमिकल रिएक्शन में बीटा एच इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है, इसलिए इन अभिक्रिया को हम बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अब जो यहां पर आपने लिया है वन क्लोरो प्रोपेन, इस वन क्लोरो प्रोपेन की आप यहां कराएंगे रिएक्शन, आप यहां पे क्या लेंगे, ये लोगे आप यहां पे एल्कोहलिक के ओवर चलेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराओगे। अब होगा क्या कि जो अल्फा कार्बन है उससे तो जाएगा हेलोजन, बीटा कार्बन से कौन जाएगा, हाइड्रोजन, इसका तो ये वन एच, इसका ये सीएल, ये यहां रिएक्शन करके ये तो यहां पे निकालेगा क्या, एच सी एल को निष्कासित करेगा। अब यहां पे क्या होगा, अल्फा बीटा के में यहां पर एक मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड और आएगा, और यहां जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा सी एल थ्री, ये हो गया यहां पर सी एच, एक बॉन्ड यहां पे और आ गया, और ये हो गया सी एच टू, और जो यहां पे आपको मिलेगा ये हो जाएगा तीन कार्बन वाली एल्कीन जिसका नाम है प्रोपीन। इन्हीं अभिक्रियाओं में यहां पर हम सेकंड एग्जाम्पल यहां पर हम और ले रहे हैं। यहां पे हम क्या करेंगे कि जो यहां पर आप लेंगे क्लोरो क्लोरो एथेन की क्रिया हम कराएंगे एल्कोहलिक के ओ एच के साथ। ये यहां पर हम ले रहे एग्जाम्पल, क्या किया मैंने कि यहां पर आप क्लोरो एथेन जो है जिसे हम बोलते हैं एथिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे एल्कोहलिक के ओ एच के साथ। तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक के ओ एच विद एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन। तो यहां देखिए मैंने लिया यहां पर सी एच टू और एक एच, ये हो गया सी ए थ्री, यहां लगा दिया सी एच टू और मैंने यहां लगा दिया ये सी एल, सी एच थ्री सी एच टू सी एल, इसका कॉमन नेम अभी बताया मैंने आपको, इसे हम कहते हैं एथिल क्लोराइड, और इसी को हम आईयूपीएसी में कहते हैं क्या है, क्लोरो एथेन कहते हैं। अगर आप क्लोरो एथेन को ध्यान से देखें तो इसमें हेलोजन कौन है, सीएल, सीएल के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, अगला कार्बन क्या है बीटा, और आप देख रहे हैं बीटा कार्बन पर एच प्रेजेंट है, यानी यहां पर क्या है बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उपस्थित है। और जब इसकी रिएक्शन आप यहां पर करेंगे, क्या लेंगे आप यहां पर, यहां पर आप लेंगे एल्कोहलिक के ओ एच के साथ क्रिया करेंगे। तो मैंने बताया था अल्फा कार्बन से कौन जाएगा हेलोजन, बीटा कार्बन से कौन जाएगा हाइड्रोजन, यानी अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यानी ये यहां रिएक्शन करके निकालेंगे एच सी एल को निकाल देंगे, क्या निकलेगा यहां पर एच सी एल निकल जाएगा, और यहां पर क्या होगा एक बॉन्ड और जनरेट होगा, और यहां क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, और यहां पर आपको दो कार्बन वाली एल्कीन प्राप्त होगी जिसे हम कहेंगे एथीन। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं, इनमें रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लेंगे इफ हैलोजन एटम इज सेम, पहली कंडीशन ये है मैंने यहां पर क्या कि जब यहां पर आप हैलोजन एटम कैसे लें, सेम लें, समान लें, तो आपको ध्यान है एल्किल हैलाइड तीन प्रकार के होते हैं। देखो ये लिखा मैंने यहां पर, ये हो गया R, ये हो गया CH2, और यहां लगा दिया मैंने क्या
एक्स लगा दिया, हैलोजन लगा दिया, और आप जानते हैं एक्स के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, दो अल्फा एच है, तो यह कैसा है, यह एक 1 डिग्री एल्केल हैलाइड है। दूसरा देखो लिया आपने यहां पर सी एच, और मैंने यहां पर क्या किया, दो लगा दिए यहां पर आर, और मैंने यहां लगा दिया क्या, यहां लगा दिया मैंने एक एक्स, एक्स के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, कितने अल्फा एच है, एक, तो यह कैसा है, यह एक 2 डिग्री एल्केल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्केल हैलाइड है। अगला देखो लिया मैंने यहां पर सी, इस कार्बन से मैंने यहां पर 3 लगा दिए एल्केल ग्रुप लगा दिए, 3 आर लगा दिए, और इसी कार्बन से मैंने यहां लगा दिया हैलोजन यानी एक्स लगा दिया, और आप जानते हैं एक्स के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, कितने अल्फा एच इसमें 0, तो ये बताओ वहां पर ये कौन सा एल्केल हैलाइड है, यह एक 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एक्स लिए हैं, मान लिया यहां पर जो भी एक्स हैलोजन है वो कैसे लिए आपने, यहां पर सेम लिए हैं, समान लिए हैं, लेकिन यहां पर जो एल्केल हैलाइड है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो यहां पर एक बार ध्यान रखेंगे कि जो तीनों प्रकार के जो एल्किल हैलाइड हैं उनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी, अभिक्रियाशीलता जो होगी वो होगी किसकी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की, थोड़ी कम किसकी होगी, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी, और जो सबसे कम होगी वो किसकी होगी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी। यहां जो हमने केस लिया था वो तो था इफ हैलोजन एटम्स आर सेम, क्या हो, हैलोजन एटम क्या हो, सेम हो, लेकिन अब यहां पर हम बात करेंगे अगर हैलोजन एटम डिफरेंट हो, और यहां पर हम क्या लें, इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम, इफ एल्काइल ग्रुप्स आर सेम, एल्काइल ग्रुप सेम हो तो उस कंडीशन में यहां पर आप देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी का जो क्रम होगा वो क्या होगा। तो यहां पे एल्काइल ग्रुप सेम है तो यहां देखिए मैंने क्या लिया, सबसे पहले यहां ले लिया मैंने आर सी एल ले लिया, एल्केल क्लोराइड, एक मैंने यहां ले लिया आर बी आर जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्केल ब्रोमाइड कहते हैं, और एक मैंने यहां ले लिया आर आई एल्केल आयोडाइड, और एक और ले लिया मैंने यहां पे आर एफ एल्केल फ्लोराइड, ये 4 लिए मैंने यहां पर। तो यहां पर आप ध्यान रखोगे कि यहां पर हैलोजन एटम जो है उनमें जिस हैलोजन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा ये बॉन्ड उतना ही वीक होगा, और वो अपना हैलोजन उतना ही इजीली प्रोवाइड कराएगा, उतना ही इजीली एलिमिनेट करेगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो हो जाएगी एल्किल आयोडाइड की, थोड़ी कम एल्किल ब्रोमाइड की, और कम एल्किल क्लोराइड की, और सबसे कम होगी एल्किल फ्लोराइड की। ये केस कब होगा, जब यहां पर जितने भी एल्किल समूह हैं, जब सभी के सभी एल्किल समूह समान हों। अब यहां पर हम बात करेंगे जब हेलो एल्केन में क्या हो, हेलो एल्केन में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, इस कंडीशन के बारे में यहां पर बात करेंगे, और ये कंडीशन जो यहां पर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बताया कि जब हेलो एल्केन में या एल्किल हैलाइड में क्या हो, एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं,
एग्जाम्पल क्या लिया मैंने यहां पर, एग्जाम्पल यहां पे हम ले रहे हैं रिएक्शन आप करेंगे, रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो ब्यूटेन विद एल्कोहलिक के ओ एच, यानी जो टू ब्रोमो ब्यूटेन है, क्या है यहां पर टू ब्रोमो ब्यूटेन की आप क्रिया करेंगे एल्कोहलिक के ओ एच के साथ। तो देखो मैंने यहां पर ये लिखा, पहले तो मैंने लॉन्ग चेन में चार कार्बन लिख लिए क्योंकि ब्यूटेन है, नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, और दो नंबर पे आपने लगा दिया यहां पर बी आर लगा दिया। अब आप जानते हैं कौन बैलेंस पूरी की, ये हो गया सी एच टू, यह हो गया एक एच, यहां पर एक एच लगा दिया, यहां पर एक एच लिखकर इसको मैंने यहां लगा दिया और ये हो गया सी ए थ्री। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाई है ये किसकी स्ट्रक्चर है, टू ब्रोमो ब्यूटेन की। तो नाम दिया मैंने यहां पर नीचे लिखा टू ब्रोमो ब्यूटेन। अब आप जानते हैं इसमें हैलोजन एटम कौन है, बी आर, बी आर के पास वाला कार्बन क्या है एल्फा, अगला क्या होता है बीटा, आप देखेंगे बीटा यहां पर भी है ये अगला है, और बीटा ये भी है ये भी अगला है, यहां पे क्या हो गया एक से अधिक बीटा एच क्या हो गए प्रेजेंट हो गए, तो इसको तो नाम दिया मैंने बीटा, इसको मैंने कर दिया बीटा डैश। इस केस में आप देख रहे हैं एक से अधिक बीटा एच प्रेजेंट है, और जब इसकी रिएक्शन आप यहां पर करेंगे किसके साथ, एल्कोहलिक के ओ एच के साथ, तो आपको ध्यान है कि जो यहां रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। अब होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया अल्फा कार्बन से कौन जाएगा हैलोजन, बीटा कार्बन से कौन जाएगा हाइड्रोजन। एक बार क्या किया मैंने, इस अल्फा कार्बन से निकाला बी आर को, इस बीटा से निकाला इस एच को, तो मान लिया मैंने यहां पर एक बार तो इसका ये पोर्शन यहां पर क्रिया करके निकालेगा एच बी आर, तो यहां पे क्या होगा एक बॉन्ड आ जाएगा और क्या बनेगा यहां पर, ये हो जाएगा सी एच टू, यहां पर एक बॉन्ड आ गया, ये क्या रहा यहां पर सी एच, आगे क्या हुआ है सी एच टू, आगे क्या लगा हुआ है सी ए थ्री, ये आपको मिल गया। इसमें आप देख रहे हैं अल्फा और बीटा जो है यहां पर एक बॉन्ड और आ गया है, और जो एल्कीन यहां पे आपको मिली है इसका नाम है ब्यूट वन ए, क्योंकि इसमें एक से अधिक बीटा एच है तो एल्कीन भी आपको एक से अधिक मिलेगी। अगर मान लिया इसी रिएक्शन में यहां पर एल्फा से गया बी आर, इस बीटा डैश से गया कौन एच, यानी इसका तो एच, इसका ये वाला बी आर, ये यहां रिएक्शन करे और निकाले एच बी आर को, तो यहां पे क्या होगा यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा और बाकी रहेगा सेम, और क्या बनेगा देखो, ये तो यहां पे रहा सी एच थ्री, ये रहा सी एच, ये हो गया बी आर गया, यहां पर एक बॉन्ड और आ गया, यहां पर क्या बचा सी एच, आगे क्या है सी एच थ्री, और जो यहां पे आपको मिल रहा है ये हो गया ब्यूट टू ई, और आप देख रहे हैं कि इस केस में आपको एक से अधिक एल्कीन मिल रही है, एक तो मिल रही है ब्यूट वन ई और एक आपको मिल रही है ब्यूट टू ई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं इसमें मोर देन वन बीटा एच एटम्स आर प्रेजेंट, एक से अधिक बीटा एच इसमें क्या है प्रेजेंट है, तो एक से अधिक आपको एल्कीन मिलेगी। अब दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी, ये हम देखते हैं सेट जेफ नियम के आधार पर, सेट जेफ रूल के आधार पर। तो बात करेंगे यहां पर, अगर पहले बात करते हैं तो यहां पर देखोगे आप जो ब्यूट वन ईन है ये तो मिलेगी आपको 19%
19% आपको मिलेगी, लेकिन जो ब्यूट टू ईन है ये आपको यहां मिलेगी 81%। किसके अकॉर्डिंग? सैफ जेफ रूल के अकॉर्डिंग, सैफ जेफ नियम के अनुसार। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो एल्कीन आपको मिली है ये तो हो जाएगा आपका अल्प उत्पाद, माइनर प्रोडक्ट होगा, और यहां जो आपको मिल रहा है ये आपका हो जाएगा मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट। और ये किसके अनुसार है मुख्य उत्पाद? ये यहां पर मुख्य उत्पाद है किसके अनुसार? सेट जेफ के नियमानुसार। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर जो टू ब्रोमो ब्यूटेन की रिएक्शन जब आप एल्कोहलिक केओएस से कराते हैं तो यहां पर आपको दो एल्किन मिलेंगी जिसमें ब्यूट टू इन आपको मिलेगी मुख्य उत्पाद के रूप में। अब यहां पर हम बात करेंगे कि ये सेजेफ रूल यानी सेजेफ नियम होता क्या है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर मान लिया किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में दो आइसोमेरिक एल्कीन आपको मिले, कब? ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वह एल्कीन आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी जिसमें मोर एल्काइल सबस्टिट्यूटेड ग्रुप क्या हो? प्रेजेंट हो, यानी मोर एल्काइल सबस्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगी वो आपको मिलेगी एज ए मेजर प्रोडक्ट। इस रूल को ही हम क्या बोलते हैं? सेजेफ रूल कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहां पर दो एल्कीन आपको मिल रही है और वह एल्कीन अधिक मात्रा में मिलेंगी जिसमें डरवन जो है वो कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट हो। उससे होगा क्या कि जब डरवन कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट होगा तो जो डरवन वाले कार्बन है उससे अधिक संख्या में एल्काइल प्रतिस्थापी समूह क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। और जिसमें अधिक एल्काइल एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए होंगे ऐसी एल्कीन ही आपको मिलेगी मुख्य उत्पाद के रूप में। इसी को हम सेजेफ रूल या सेजेफ नियम कहते हैं। और ये सेजेफ नियम का हो गया पहला एग्जांपल। क्या है एग्जांपल? रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो ब्यूटेन विद एल्कोहलिक केओएच जिसमें ब्यूट टू इन आपको मिलती है मेन प्रोडक्ट के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में। अब यहां पर हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। ये लिया मैंने यहां पे टू ब्रोमो टू मेथिल ब्यूटेन। देखिए आप 1, 2, 3, 4 टू ब्रोमो टू मेथिल ब्यूटेन। और जो यहां लिया इसमें आप देखोगे हेलोजन एटम कौन है? बीआर। बीआर के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा। अगला क्या? बीटा। बीटा आप जानते हैं बीटा तो ये भी है और ये भी बीटा है तो उसको नाम दे दिया मैंने बीटा डैश। इसमें भी क्या है? एक से अधिक बीटा एच प्रेजेंट है। इसके भी आप यहां कराओगे रिएक्शन एल्कोहलिक केओएच के साथ। और आप जानते हैं इसकी रिएक्शन जब आप एल्कोहलिक केओएच के साथ कराएंगे तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। मेथड मैंने आपको बताया था कि अल्फा कार्बन से कौन जाएगा? हेलोजन। बीटा से कौन जाएगा? हाइड्रोजन। एक बार क्या किया, इसका तो ये बीआर, इसका ये एच, ये यहां पे निकालेंगे तो होगा कि यहां पर एक बॉन्ड और आ जाएगा और आपको यहां मिलेगा क्या? ये यहां मिलेगा आपको CH3CH डलवन CCH3 और ये हो गया CH3 और इसका नाम हो गया 1, 2 तो ये हो जाएगा यहां पर 2-methyl-but-2-ene। ये आपको यहां पे एल्कीन मिलेगी 1, 2, 3, 4 तो नाम क्या हो गया इसका? 2-methyl-but-2-ene। अगर मान लिया यहां पर इस बार अल्फा से गया बीआर और बीटा से गया एच, यानी इस बार आपने एच तो निकाला इसका और बीआर निकाला आपने इसका, तो ये भी क्या निकालेंगे? एच बीआर। और यहां तो दूसरी एल्कीन आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी? देखिए आप
ये हो जाएगा CA3, CH2, CA3 डलवॉन्ड और ये हो जाएगा यहाँ पर CH2। इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा 2-methyl-but-1-ene। ये दो आपको मिल रही है एल्कीन। अब प्रश्न ये है कि दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन आपको मिलेगी मुख्य उत्पाद के रूप में। तो यहां पर आप देखेंगे कि जिस एल्कीन में द्विबंध कार्बन चेन के बीच में हो, तो आप देखो ये तो साइड में है और यहां कार्बन चेन के बीच में है, और जिसमें द्विबंध कार्बन चेन के बीच में होगा उसमें द्विबंध वाले कार्बन पर, इन दोनों कार्बन पर अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए होंगे। और आप जानते हैं कि सैतजेब नियम के अनुसार जब एक से अधिक एल्कीन मिले एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा, या हम कहें वी हाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रिया द्वारा, तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी, अधिक मात्रा में मिलेगी, जिसमें द्विबंध वाले कार्बन पर अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हों। कैसे? याद रखो आप इस वाले कार्बन से एक तो लगा हुआ है, ये CA3 एक H है, इस वाले कार्बन से एक ये CA3 और एक ये CA3, यानी इसमें जो एल्किल प्रतिस्थापी समूह कितने हैं? 3 हैं। याद रखो द्विबंध वाले कार्बन ये 2 है, इसके पास कोई भी एल्किल समूह नहीं है, इस वाले कार्बन से एक लगा है ये और एक ये हो गया, तो इसमें कितने हो गए? 2। इसमें कितने हैं? 3। तो अधिक एल्किल प्रतिस्थापी इसमें है इसके अंदर। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एल्कीन आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगी किस रूप में? मुख्य उत्पाद के रूप में, और ये आपको यहां मिलेगी अल्प उत्पाद के रूप में, और यहां ये जो आपको मिलेगी मुख्य उत्पाद के रूप में, ये किसके अनुसार मिलेगी? यहां पर ये आपको यहां पे मिलेगी सैतजेब के नियमानुसार, या हम कहेंगे सैतजेब नियम के अनुसार। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस साल CBSE के एग्जाम में 2020 में जो CBSE का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो सेट सेकंड था उसमें क्वेश्चन आया था कि प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-bromobutane, क्या दिया आपको यहां पर? 2-bromobutane अंडरगोज अ रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH, यानी जो एल्कोहलिक KOH है उसकी आपको करवानी है रिएक्शन 2-bromobutane के साथ, और आपको बताना क्या है कि उसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। जो ये क्वेश्चन है अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन लिखी थी और आपको मैंने बताया था कि जब आप यहां पर लोगे 2-bromobutane, ये होता क्या है? CA3CHBrCH2, ये हो गया CH3, और इसको आपने किया था इस प्रकार से, ये आपने यहां ले लिया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2-bromobutane। अब आप जानते हैं Br के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा। अगला क्या है? बीटा। ये भी बीटा है, उसको नाम दिया हमने बीटा डैश। रिएक्शन आप यहां करवाएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। नहीं, अब यहां पर होगा क्या कि एक बार तो इसका तो Br, इसका H, ये यहां निकालेंगे HBr को, तो एक बार तो बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, क्या मिलेगा आपको? यहां पर आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CA3, इसका नाम है ब्यूट 1-ene। दूसरे केस में क्या होगा यहां पर कि इसका H, इसका Br, क्योंकि बीटा ये भी है H, तो यहां पर होगा क्या, ये देगा यहां पर CH3 हो जाएगा, CH एक बॉन्ड और आ जाएगा, ये हो जाएगा CA3 और ये हो जाएगा ब्यूट 2-ene।
ये दो एल्कीन आपको मिलेंगी, लेकिन इसमें आप देखोगे कि यहां जो ये मिलेगी, ये तो मिलेगी आपको 19% 19% और ये जो आपको मिलेगी यहां पर, ये मिलेगी आपको 81%। ये और ये यहां पर आपको मिलेगी एज ए मेजर प्रोडक्ट के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में। किसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था, ये आपको यहां पर मिलेगा सेफ जेफ के नियम के अनुसार, सेफ जेफ नियमानुसार। तो इसका जो आंसर होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका ब्यूट टू ई जो होगी, ये हो जाएगी आपके मेजर प्रोडक्ट। इसी साल 2020 में जो CBSE का जो सेट वन था, उसमें क्वेश्चन आया था प्रोडक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन टू ब्रोमो पेंटेन रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। तो यहां पे दिया क्या है आपको, ये दिया गया आपको CH3 BR CH2 CH2 CH3। यहां जो आपने लिया है, जो कंपाउंड आपको दिया गया है वो ये है, जिसमें आप देखोगे लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो, 5 कार्बन है, ये हो जाएगा पेंटेन। ये आपने ले लिया 2 ब्रोमो पेंटेन। इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन, क्या लोगे आप यहां पर एल्कोहलिक KOH के साथ। तो आपको ध्यान है इसमें Br के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, अगला होता है बीटा, बीटा ये भी है और बीटा ये भी है, इसको कर दिया मैंने बीटा डैश। इसमें भी यहां पे आप देखेंगे एक से अधिक बीटा एच है, तो एक से ज्यादा आपको मिलेगी एल्कीन। अब होगा क्या कि पहले मान लिया मैंने अल्फा से गया Br, इस बीटा से गया एच, यानी इसका तो एच इसका Br, ये मान लो निकालोगे क्या आप एच Br, तो यहां पे एक बॉन्ड आ जाएगा और क्या बनाएगा यहां पर, ये हो जाएगा CH2। यहां बीच में देखोगे आप एक बॉन्ड आ गया, फिर क्या हो जाएगा यहां पर CH, फिर हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CH2 और ये हो गया CH3। नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा यहां पर पेंट वन इन, ये इसका नाम है पेंट वन इन। अगर मान लिया दूसरे केस में एक एल्कीन आपको और मिलेगी, इस बार अल्फा से गया Br, इस बीटा डे से गया एच, इसका एच इसका Br अगर आप निकालोगे तो ये निकालेगा एच Br, तो यहां पर एक बॉन्ड और जनरेट होगा, तो क्या बनेगा बाकी रहेगा सेम, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। और यहां जो आपको एल्कीन मिलेगी वो हो जाएगी पेंट टू ई, यानी कहने का अर्थ ये है कि जब 2 ब्रोमो पेंटेन की रिएक्शन आप कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो इस केस में आपको 2 एल्कीन मिल रही हैं, पेंट वन ई पेंट टू ई। अब कौन सी एल्कीन ज्यादा मात्रा में मिलेगी वो हम देखते हैं सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग, और आप देखेंगे इसमें यहां साइड में है, इसमें बीच में है, जिसमें बीच में होगा उस एल्कीन में डलोन वाले कार्बन पर अधिक एल्किल ग्रुप लगे हुए होंगे, अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह लगे हुए होंगे। तो यहां जो आपको मिलेगा ये तो आपका हो जाएगा क्या, मेजर प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग, और ये जो यहां पर होगा ये आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट होगा, ये आपका अल्प उत्पाद और ये आपका मुख्य उत्पाद होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, पेंट टू इन। ये होगी आपके एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं, जिनको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन जो होता है हेलो एल्कीन का वो भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन
रिएक्शंस भी कहलाती हैं। धन्यवाद।